पहुंच गए फिफ्थ फ्लोर पर, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार कहते हैं। उड़े चढ़कर आए, हमने सोचा हमारे पीछे कुत्ता पागल लगा हुआ है, भागो 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 भागो। हम भागते भागते ऊपर चढ़ाए, जब आपने लिफ्ट से नहीं जाना तो पौड़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस करो। और एक मेरा दोस्त है वो पौड़ियाँ नहीं चढ़ता, कहता है रैम से चलो। मैंने कहा रैम से को चले भैया, कहता घोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाती है जब पौड़ियाँ चढ़ोगे। वो भी नई चीज़ थी। चलो हम देखते जाओ, जो एडवोकेट चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे। और ये फिफ्थ फ्लोर है HP, देखिए चलती रहती है सब। खाने का टाइम हो गया, समय पर रोटी भी खा लेते हैं भैया ये लोग, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। ये तो रेस्टोरेंट नहीं है भैया, काम ज़्यादा। क्या भाई साहब, वकील साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो तुम्हारे को नमस्ते करके जाता हूँ जब इधर आता हूँ मैं। बस जी बस ठीक ठाक। उधर देखते हैं अपना दोस्त, इधर बैठते हैं जो 518 नंबर है, इधर मारो जरूर अपना। वकील साहब नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। चलते चलते आए थे मैसेज कर जाए, देखो क्या हाल चाल है। वैसे मैंने उधर घूम रहे थे, मैंने सोचा भी देख लें आपको भी, दर्शन करने से मन को शांति मिलती है, भाई अपना मिलता है, फ्रेंड मिलता है। चाहे नहीं अभी तो हम इधर घूम रहे हैं राउंड पे, और ठीक ठाक भले भले। चल पो ले, पीछे हो जा, पीछे मोड़। उन कहना सीखा तू कमलिया करता की पे तू है, तू क्यों लग गया तू अपना, तू अपना दादा तेरा फिर प्यो क्यों लग गया तू, एवं लग गया था तू है, तो सानू सारा कुछ पता है तू भी पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। नहीं नहीं मैं तो आप ही घूरते, मैं सारे वकील एक पास, मैं कला बहुत हाँ सारे तेन भी पीछे ले लें मैं। अच्छा नमस्कार वकील साहब, की हाल चाल है? वाह ला 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 लो जी वकील साहब। अच्छा तुम है दसो प्रधान जी इलेक्शन लड़ रहे हो, थोड़े जनून की है, पैशन की है, यानी कि तुम क्यों चुनाव का कहते हो? देखो फोटो की तरफ साफ आ रही है। मैं कर ठीक है, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? देखिए आपके किन्ने चुनाव देखे, तो किन्ने चुनाव देखे ने है जी? किन्ने चुनाव देखे ने? 40 अच्छा तुम दसो चुनाव लड़ रहे हो, कई कैंडिडेट लड़ रहे ने, मैं डिबेट भी देखी इतनी हो रही थी, बहुत वधिया बोले, तो ये डिबेट गल्लां कहीं ने तुम्हें, बाकी ने कई पूरी होंगे नहीं होंगे? सर देखो मैं बाकी का तो नहीं पता, पर मैं जरूर पूरियां करूंगा। मैं बतौर सैकटरी जो क्या जो काम किया है, तो जो प्रधान मैं कह रहा मैं डेफिनेटली करके दूंगा जी। सर फॉर्म्स मेरा एक तो सर इतने चैंबर बहुत घाट है, चैंबर जरूर नवे एक कंपलैक्स लैके आवागा अपरूवल लैके। एक सर ज्वाइनिंग बिल्डिंग बहुत जरूरी है, सर सारे कह रहे हैं, पर 4 साल तो किसी 5 साल तो किया नहीं, इलेक्शन सारे कहना शुरू कर देंगे। सर मैं तो कहीं पोस्ट नहीं रहा 5 साल तो, या पिछले 10 साल तो। सर मैं हूँ जो मेरे मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली सर काम करके दूंगा। एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज है नहीं कि सर किसी दियाँ भी, सर किसी वकील दियाँ भी, जो भी कोई मेडिकल दिक्कत आँगी किसी वकील साहबानू तो उन्होंने अपने को एक तो काम के बहुत सफर करता है ना, वो कम प्रोफेसनली देख सकते हैं, उधरों उन्होंने पैसे भी लाने पेंदे है, तो वो गवर्नमेंट वालों एक मेडिकल पॉलिसी करवा के दें, एक मेरा यह मोटिव है, और एक लाइफ इंश्योरेंस सारे वकील साहबाना का, जिवें दिल्ली गवर्नमेंट ने कराया उवें पंजाब गवर्नमेंट तो भी लैके आवा कोई यहोजे फंड रेज करिए, कि इन्हें सारे वकील साहबाना का इंश्योरेंस हो सके, और प्रॉपर सेफ रहन सारे। मैं दुआ करता सारे ठीक रहन, सब तंदुरुस्त रहन, पर फिर भी कोई दिक्कत आती तो इंश्योरेंस जरूरी होंगे जी। तो जैसे जी बार डिग्निटी की गल है, डिग्निटी सर बनती है बार तो बैंक के रिलेशन के नाल, रिलेशन बार तो बैंक का इन्ना मजबूत करके रखूँगा जिमें 2012-13 किया, अज भी उमें करके रखूंगा, तो कि किसी वकील को दिक्कत ना आए बैंच वालों और एडमिनिस्ट्रेशन वालों। नहीं देखो जातिगत भी जाने ब्लेम लाते जो आप इलेक्शन लड़ते गली महल लोग इलेक्शन लड़ते हैं, MLA लड़ते हैं, लड़ते हैं, तू ओदा हो तू चोर हो, इदा दी गल्लां करदे कि आप एजुकेटेड प्रोफेसनल आ सर, चंगा लगदा मैं नहीं सर नहीं, ये बहुत मन भग है सारे जेडे भी करते गल बहुत मन भग है। मैं अगे भी सर क्या है कि छिब्बर साहब मेरे वड्डे भरा ने और चेतन मेरा छोटा भाई है, मैं तो सारे अपने भरावान तरह समझदा,
असं एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट मैच कर रहे हैं, साढ़े परिवार का मसला है, ये किसी इंटरवीन करने का हक भी नहीं है। साढ़े भावों अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर जी गल कोई मैटर हैगा तो परिवार से बह गल खत्म करनी चाहिए है, बहर उछाल लेनी चाहिए गल। तो मैं सर सारे ये कहूँगा कि काइंडली मैंने एक मौका दो कि सारे बार नूं आपां यूनिटी बना के यूनाइट करिए और डिग्निटी मेनटेन करिए बार की सब तो पहला, और उस तो बाद जो वेलफेयर के काम ने, क्लीननैस के काम ने, नवे चैंबर के काम ने, ज्वाइनिंग के काम ने, वाटर सैनिटेशन के काम ने, वो आप सारे पूरे करके दईए, इंश्योरेंस के काम ने सारे पूरे करके दईए। एक मैं सर होर सोचे है, एक लेडीज़ बाथरूम जी डिवेलपमेंट की लड़ है सर, फैसिलिटीज़ की लड़ है, उन्होंने पूरा करके दईए, क्योंकि सारिया छोटिया भैन भी हैं, नवे बच्चे भी आ रहे हैं सर, तो उन्होंने कोई यहोजी फैसिलिटी कोई इन्होंने बाहर जाना पवे, सारी फैसिलिटी उन्होंने लेडीज़ बाथरूम के अंदर ही मिलनी चाहिए। देखिए वीरेंद्र सोढ़ी साहब ने बताया कि मैं जितने भी दो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का, कहते हैं हमें जीत हार से मतलब नहीं, हमें वेलफेयर से मतलब है, जो हमारे जो अपना जो फैमिली है, जो हमारी एडवोकेट की लॉयर की फैमिली है, उनका भला होना चाहिए। कहते हैं मेरा तो यही सपना है कि मैं लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और देखिए कुछ लोगों के पास चैम्बर हैं और कुछ लोगों ने ऐसी सीट लगा रखी है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और देखिए वकील साहबान जो अभी क्लाइंट भी हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कल को चुनाव है, वैसे तो चुनाव प्रचार बंद हो जाता है जब हमारे एमपी के या एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर चुनाव प्रचार बंद नहीं होता। चलिए आ जाइए, जब वकील साहब इधर से भी आ रहे हैं, और हाँ इलेक्शन किया है, देखो इधर जो कोर्ट है सारे, मैं कहते कोर्ट ने सारे थोड़ा थोड़ी वोट इतने हैं। लो जी मैडम की वोट यहाँ पर, इधर आओ, इधर इधर से जाओ। अच्छा तुम दसो भी कि कैंडीडेट बढ़िया हो सकते हैं, जैसे कि कहते मैं कैंडीडेट बढ़िया, कहते मैं लिफ्ट इधर लवा दाँगा, कहते मैं कार पार्किंग कर दाँगा, कहते मैं ज्वाइंट कर दाँगा, गल्ला उ ने सारिया। कैंडीडेट सारे ही बढ़िया, अब जो काम करा देगा वो कैंडीडेट बढ़िया होगा। 40-75 साल हो गए देश की जाति को, क्या हम ये अभी तक काम ही नहीं करवा सके, जो हमारी कोर्टों का काम नहीं करवा सके, सड़कों का काम नहीं करा सके, देश का काम नहीं करवा सके, मोहल्ले का काम नहीं, ये सब क्या हो रहा है? लोग आसमान पर चांद पर पहुंच गए, हम लोग यहीं पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। नहीं नहीं लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहा है। डिबेट तो चलो डिबेट होती है, वो तो अच्छा है ना, अपने अपने अपनी जो भी आपके थॉट्स है वो एक्सप्रेस करने होते हैं, ये तो डिबेट है और क्या है। मैंने डिबेट देखी नहीं एक्चुअली, तो मुझे आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है, बट सारे ही हमारे तो कलीग हैं, सब मेंबर्स देखो क्या होता है। घर में बच्चे बैठे हैं ना, उनको पता चलना चाहिए कि हमारी जो ऐसे कोर्ट होते हैं, ऐसे इलेक्शन होते हैं, कि आगे कोर्ट ही है सारी, कोर्ट है आगे, इधर सब एडवोकेट बैठे हैं, ये सारी चैंबर्स हैं, इधर इधर भी चैंबर्स हैं। तो आप कौन से, अपने पंजाब से बाहर से आप कैसे पहले? मैं राजस्थान से, मेरा एनरोलमेंट राजस्थान की है, बट अब ट्रांसफर हो गया पंजाब में। ट्रांसफर हो गया। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो कौन से फ्लोर पे बैठे हैं आप? 8th फ्लोर पे। 8th फ्लोर पे। चलो बढ़िया है, चलो आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया और आप लोग अपनी सेवा प्रोवाइड कर रही हैं, और आप में कॉन्फिडेंस है कि मैं एडवोकेट एज ए समाज को क्या देना चाहती हैं आप एज एडवोकेट समाज? क्या सोचते हो वुमेन लॉयर के बारे में? वुमेन लाइफ के बारे, आजकल वुमेन के बारे में सोचना क्या, वुमेन तो करके दिखाती है, करके दिखाती है और क्या, वो सोचती कहाँ है, वो तो हर काम करके दिखा रही है, हर सेक्टर में वुमेन आ गए हैं। देखिए कहते हैं हर सेक्टर में वुमेन आ गए हैं, मैन की हेल्प से या अपने इंडिविजुअल, आपको क्या लगता है? नहीं आप तो इतना लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, आपको ये बात कैसे लगती है कि मैन की हेल्प से करते हैं? मैन और वुमेन दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो समाज चलता है ना, मेरे घर वाले मेरी मदद करते तब मैं आगे बढ़ता हूँ, जब मेरे घर वाले को प्रॉब्लम होती है ना एक दूसरे के कोऑपरेट करके ही आगे बढ़ेंगे। अब इसमें ये क्या कि मैन कोऑपरेट कर रहा है कि मैन तो देखो डोमिनेंट है। चलती है मैडम से बातें होगी, फिर कभी मिलेंगे चलते चलते, तो देखिए अभी यहीं पर। और क्या हाल चाल है? देखो मैं क्या तुसा भी कई वोटा पाई ने, किन्ने साल हो गए थोड़ा वोटा पाने? 40 साल हो गए। की बदलाव आया? कुछ बदलाव आया? बदलाव पिछे लाइब्रेरी वगैरह ठीक करती थी, बाथरूम बड़ा वधिया बनाता सी। ये तो केड़ी कंपनी ने बनाया सी? कंपनी भी तो कई है ना, वो काफी देर हो गई, उस उदों जिहड़ी मैनेजमेंट सी उन्होंने किया सीगा। केड़ी सी अपना मैनेजमेंट? वो ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸੀ, ਵਰਮਾ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ।
बाकी तो की कहते होंगे जिमें बम ब्लास्ट हो गया होर हो गया इस प्रोफेसर के बारे एजुकेटेड प्रोफेसनल आप सारे लोग तो ये बारे मैसेज की देना चाहते जो न्यू जनरेशन है जो यंग जो बच्चे आ रहे हैं यूथ आ रहा है वा ये कि हार्ड है कि स्ट्रगल है स्ट्रगल जोड़ा वो तो हार्डवर्क हार्डवर्क है हार्डवर्क हार्डवर्क पे करता है भाई हार्डवर्क आता बहुत बड़ी मिल बना लगा बंद पे करता है पे करता है पर अच्छा एडवोकेट बहुत हो गए ने पहले कोई कोई फर्क नहीं पड़ता बाद हो गए घट हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए कहते हैं ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता हार्डवर्क है आप सोच लो हार्डवर्क है डे एंड नाइट का फर्क है नहीं हूँ तो सौखा हो गया वो कंप्यूटर सारा कुछ स्पीड है हार्डवर्क थोड़े टाइम से जो टाइप इस पर आता इस वेले थोड़ा जगाता सी वकील साहब उठो टाइप कराओ हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है साइटेशन लिखाते थे किताबें खोलते थे पढ़ते हाँ हाँ किताबें पढ़ते थे पढ़ते थे गूगल के नाले आ जाता था कहो किताबें जो पढ़ना पड़ता सी हार्डवर्क तो घट गया कुछ और ही फर्क बढ़ गया कुछ और हार्डवर्क नहीं वकील साहब के समय में हार्डवर्क था लेकिन आप जाने कुछ और ही कुछ हो गया है जाने गूगल में आप डालो नाम वगैरह डालो केस डालो सब कुछ आ गया पहले पेज खोलते थे आगे देखते थे कंटेंट देखते पता नहीं अब यार सारा सिस्टम ही चेंज हो चुका है हम तो ये कहते हैं वकील साहब सोच बदलो समाज बदलेगा हाँ हाँ होता है बस बिल्कुल सोच बदलो बिल्कुल ठीक हाँ तो देश बदल जाएगा बिल्कुल ठीक चलो ठीक है धन्यवाद हाँ जी तो मेरे को देखा मैंने आपको देखा देख कर ही हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं देख कोर्ट में केस पूछता है जब कैसे आए थे आप कोर्ट में तो जी बस आना पड़ता है आना पड़ता है जहाँ पर आते हैं तो आना पड़ता है तो आगे आगे चलते हैं जा इधर आओ जाकर कंपेनिंग करनी पड़ती है हर एडवोकेट को मैं भी ऐसे करता था वेद हाँ जी सर बंदे बड़े नजर आने तो प्रधान नाल ही है नहीं सर देखो जी ये जेड़े हैगे सारे सारे भरा ने वड्डे मेरे वड्डे छोटे भरा ने भरावां दी जेड़ी टीम है साडी ये ये जीत के दिखाएगी ते कम करके भी दिखाएगी कल नूं बार दे विच ऑब्जेक्टिव सारे काम करते बाकी प्रधान उपा करते जेड़ी बंदे ने ऑब्जेक्टिव दी ड्यूटी लगदी है ऑब्जेक्टिव कहंदा पंजां नूं भाई तुसीं आ करा दिओ सफाई करा दिओ शिवपाल जी हो गया तुहाडे सर पर सारा भार पैणा शिवपाल जी असीं भी इत्थे आ साल बाद तुसीं भी इत्थे होवोगे ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗਾ ਖਾਣ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਆ 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਇੱਦੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਝਿੜੇ ਝਿੜ ਹੁੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੈਨਿਊਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਟੈਨਿਊਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਾਰ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆਟਾ ਬਣ ਗਏ ਪੱਖੇ ਵੰਡ ਗਏ ਦਾਰੂ ਵੰਡ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੁਛ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 10-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਾ ਸਵੀਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ
दो नवी बिल्डिंग बन गई, पुरानी बिल्डिंग ने जुड़ी नहीं, वो जुड़नी जरूरी है। पार्किंग प्रॉब्लम हैगी है, कुछ यंग लॉयर्स वगैरह है उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स है, ने तो बैठ के जिम्मे जेडे भी प्रधान बनने जो वकील चुनने उन्होंने सारा देख। मैं तो उही कहना मतलब है कि अपने आप ही बैठ के यही प्रधान चुन ले या असं एग्जैक्टिव चुन ले यार, तुम सारे इकट्ठे हो जिन्हें भी वकील है बैठ के मिल के जाने के जी भी प्रॉब्लम है सोल्व कर लो। आज वकील साहब आजो आज आज के आए तुम भी गल ही करनी होंगी। आप देखो शर्मा जी चलो एक प्रोफेशन है साड़ी कोई लड़ाई नहीं है, सानू एमिकेबली जिहड़ा हैगा सैटल कर लेना चाहिए था। भाई आपां ऐ सफाई करानी आ बाथरूम आ जा लिफ्ट दी प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व कर लांगे तां जल्दी हो जाणगी आ। होर शर्मा जी हां जी ना शर्मा जी होर कितें बस धन्नवाद जी आओ चाह पिलाइए बस फेर आवांगे चलते चलते आएंगे कभी। ओके सर ओके।